हेलो मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने बीएम टीचिंग में हिंदी व्याकरण की फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा, शब्द की वह न्यूनतम इकाई वर्ण कही जाती है जिसके टुकड़े ना किए जाए, यानी कि जिसको विभाजित ना कर सके हम। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? चलिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके भीतर से आने वाली वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, जिनको हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब जिनको, जिस जो बिना मात्रा वाले स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। हाँ, आ ई ऊ री आदि। ठीक है, और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उनको कहते, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि खिंचाव, यानी कि जो मात्रा वाले स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ ई ऊ आदि है। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के मतलब जो ह्रस्व और दीर्घ को मिला के बना हुए स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ए ए ओ ओ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अंग और आहा। ठीक है, और विसर्ग जो है आहा होता है, सॉरी अनुस्वार अंग होता है और विसर्ग जो है आहा होता है, यानी कुल 11 स्वर होते हैं और अनुस्वार और विसर्ग को मिला के कितना होते हैं? 13। ठीक है, अब हम आते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख के किसी अंग से बाधित होकर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। ठीक है, स्वर जो है अपने आप से तो उच्चारण उसका किया जा सकता है, पर व्यंजन जो है बिना स्वर के असंभव हो सकता है, क्योंकि कोई भी शब्द होगा, जैसे आप का बोलेंगे, का है ना, उसमें आ जरूर आएगा, तभी ना उसको स्वर, और स्वर के बिना उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है ना। जैसे व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33, जिनको हम किसमें? तीन भागों में बांट सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन सुनिए, स्पर्श किसे कहते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ स्थानों, कंठ ताल मूर्धा दंत और ओष्ठ स्थानों पर स्पर्श होता है, यानी जो है पंचम वर्ग जिसको कहते हैं कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, जैसे कंठ में क्या आएगा? का वर्ग। का वर्ग में का खा गा घा अंगा। ठीक है ना, ऐसे चा वर्ग में चा छा जा झा इया, ये जो है पंचम पंचम कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ को पंच वर्ग कहते हैं। ठीक है, इस फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। यह अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? कितने हैं? 4 है, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? सुनिए, सा 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 हा ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण रगड़ घर्षण से उत्पन्न होता है, मतलब उच्चारण जब करते हैं रगड़ आता है, ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ऊष्म व्यंजन होते कौन से? सा सा हा, ये 4 के होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और फिर दंतोष्ठ, जो दंत और ओठ के माध्यम से बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। वो कौन सा है? वहाँ स्वर यंत्र मुखी। क्यों है स्वर यंत्र मुखी? कौन सा? हा, इसको क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र मुखी। हा, ठीक है, यहाँ से ये हमारा वर्ण परिचय समाप्त हुआ।
मित्रों इसका नोट्स और सिलेबस आप लोग बना के रखिएगा। हाई स्कूल का पेपर आते आते मैं आपको पूरा हिंदी व्याकरण एक एक करके समझाना चाहती हूँ और आप अच्छे नंबरों से अपना रिजल्ट बनाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।